हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं डबल एक्सपोजर फोटो एडिटिंग। ये भी एक आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है गाइस, तो मैंने भी सोचा मैं आपके लिए इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ। तो आज मैं आपके लिए इसके ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। तो गाइस, मैं यूट्यूब पर वीडियो डालने से पहले अपनी पोस्ट सबसे पहले इंस्टाग्राम पर अपलोड करता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर दीजिए। आपको यहाँ पर यूज़र नेम शो हो रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना वरना आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आपको ये वाला वाइट वाला बैकग्राउंड ओपन कर लेना है। इसके बाद हमें हमारे ऐड फोटो में जाके हमारे फोटो को ऐड कर लेना है, जो कि हमने कटआउट करके रखी है, तो हम उसे ऐड फोटो में जाके ऐड कर लेते हैं। तो गाइस, हमने हमारी ये फोटो का ऐड कर लिया है, तो आपको सबसे पहले हम इसे क्रॉप कर लेते हैं। तो इतना इतना ठीक है। तो आपको इस फोटो को कुछ इस तरह से लगा देना है, इस साइज में, और इस साइज में लगाने के बाद ये हमारा हो चुका है। इसके बाद आपको एक ड्रिपिंग इफेक्ट की पीएनजी ऐड करनी है, तो हम उसे ऐड कर लेते हैं ऐड फोटो में जाके। सो गाइज, हमने हमारे ड्रिपिंग इफेक्ट की पीएनजी ऐड कर ली है। ये पीएनजी ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लेंड का ऑप्शन दिखेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करके इसको स्क्रीन कर देना है, और आपको इसे कुछ इस तरह से लगा देना है। तो ये हमारे ड्रिपिंग इफेक्ट की पीएनजी लग चुकी है, तो अभी हम राइट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको ये जो एक्स्ट्रा एरिया जो आपको दिख रहा है, तो इस एक्स्ट्रा एरिया को हमें रिमूव कर देना है। तो इसके लिए हमें ड्रॉ टूल में जाना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे वाइट कलर चूज़ कर लेना है, और आपको ये वाला ब्रश लेना है, इसकी साइज हम बढ़ा देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से पेंट कर देना है, तो ये रिमूव हो जाएगा। सो गाइज, ये हमारी हो चुका है। तो इसके बाद हमें एक फ़ोटो लेना है, जो कि हमने हमको इसके ऊपर ब्लेंड कर फोटो बैकग्राउंड ऐड कर लेते। सो गाइज, हमने ये वाली फ़ोटो ऐड कर लिया, तो आपको इसे जूम कर लेना है, और आपको यहाँ पे ब्लेंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इसे लाइटन के ऑप्शन पे कर देना है। इसके बाद हमें इसे इरेज कर लेना है, थोड़ा हम इसकी इरेजर की हार्डनेस कम रखेंगे। और आपको पहले सबसे पहले तो आपको फेस पे से रिमूव कर लेना है इसे। सो गाइस, ये हमारा हो चुका है। इसके बाद हमें इसके एक स्पाइडर की पीएनजी ऐड करनी है, ब्लैक वाली, तो हम उसे ऐड कर लेते हैं। सो गाइस, हमने हमारी ये ब्लैक स्पाइडर की पीएनजी ऐड कर ली, तो आपको इस पीएनजी को इस तरह से लगा लेना है, इस साइज में, ये साइज ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे इरेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ से इसे पेंट कर देना है। आपको अपने बॉडी के ऊपर नहीं आने देना इसे। सो गाइज, हमारा ये वाला लग चुका है। तो इसके बाद हमें एक लाइट की पीएनजी ऐड करनी है, लाइट फोटो में जाके। सो गाइज, आपको
आपको ये दो वाले ऑरेंज पीएनजी लाइट पीएनजी ऐड करनी है, दो ब्लू और एक रेड पीएनजी ऐड करनी है। तो इसके बाद हम पहले ये दो ऑरेंज लाइट को सबसे पहले आपको लाइटन कर देना है ब्लेंड में जाके। तो ये लाइटन हो चुका है। इसके बाद आपको एक ऑरेंज पीएनजी इस तरह से यहाँ पर लगानी है और ये वाली पीएनजी ऑरेंज वाली इस तरह से यहाँ पर लगा देनी है। इसके बाद ब्लू वाली पीएनजी को ब्लेंड में जाके स्क्रीन कर देना है। ये दोनों ब्लू पीएनजी को ब्लेंड में जाके स्क्रीन कर देना है। इसके बाद एक ये ब्लू वाली पीएनजी यहाँ पर लगाना है, दूसरी ये। इसके बाद आपको ये रेड वाली पीन लाइट को भी ब्लेंड में जाके स्क्रीन कर देना है और आपको इसे यहाँ पे इस तरह से लगा देना है। तो ये हमारा हो चुका है गाइस, फोटो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से एडिट हो चुका है। तो अभी हम इसका फेस स्मूथ कर लेंगे जिससे कि आपका फेस बहुत अच्छा दिखेगा। थोड़ा स्मूथ कर लेंगे तो आपको इसे स्मूथ कर लेना है। स्मूथ करने के बाद गाइस आपको इफेक्ट्स के ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद आपको एफएक्स में जाना है और यहाँ पे आपको विगनेट के ऑप्शन पे एफएक्स पे क्लिक कर देना है। इसका साइज फुल कर देना है आपको और इसको थोड़ा स्प्रेड कर देना है। तो ये देख सकते हैं गाइस हमारी फोटो बहुत ही अच्छी तरह से एडिट हो चुकी है। सो इसके बाद गाइस आपको करना के टूल्स में जाना है, एडजस्ट में जाना है और आपको इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा लेनी है। इसके बाद इसकी कॉन्ट्रास्ट को आपको बढ़ा देना है, आपको इसकी इसके बाद हाइलाइट्स को भी थोड़ा सा हाइलाइट्स को उतना ही रहने दीजिए। उसके बाद आपको इसकी शेडो कम कर देनी है और टेम्परेचर आपको माइनस में कर देना है, -4। ठीक है तो गाइस देख सकते हैं हमारी फोटो बहुत ही अच्छी तरह से एडिट हो चुकी है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अपनी नई अगली वीडियो में।